छैला से चंडीगढ़ जाने वाली सड़क की हालत बेहद खस्ता है। ये सड़क व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने मीडिया के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने इस सड़क का दर्जा तो बढ़ाया, लेकिन सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं यहाँ से सेब और अन्य फसल ले जा रहे व्यावसायिक वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोष प्रकट करते हुए कांग्रेस महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि सुल्तानपुर रोड बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सड़क छैला से आरंभ हो रही है और वहां से सेब से लदे ट्रक इस सड़क के माध्यम से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा जाते हैं, लेकिन इस सड़क की हालत बेहद खस्ता है, जिसके चलते दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने बताया कि आज भी दो ट्रक इस खराब सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि इस सड़क की हालत में जल्द से जल्द सुधार किया जाए, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और इस सड़क से गुजरने वाले सभी लोग सुरक्षित रहें। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था, दो एक्सीडेंट्स रोड पे मुझे मिले हैं और वो कल रात को हुए हैं। और ये कारण ये है कि वहाँ पे जो जिस तरह से गलत वहाँ पे जो सड़क में काम हुआ है, उसमें जो मैंने बार बार ये कहा कि वहाँ पे आप क्रैश बैरियर्स लगाएं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड बन चुका है और वो एग्रीकल्चर रोड बन चुका है। जो छैला से गाड़ियाँ आ रही हैं उस पूरे रास्ते में उसमें दिक्कतें आती हैं, तो उसमें जो ये क्रैश बैरियर्स जो लगने चाहिए थे अभी तक नहीं लगे हैं, और उस वजह से आज सुबह सुबह ही दो एक्सीडेंट्स हुए हैं। अभी तो सेफ सीज़न शुरू होने को है, तो हमने बार बार ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह किया है, अभी तक उसमें कोई उन्होंने सुध नहीं ली।